हम अध्ययन कर रहे थे राजस्थान जीके का, जिसमें अपने पिछले वीडियो में राजस्थान जीके पार्ट 42 अर्थात 42वें भाग का अध्ययन कर लिया था। आज अपन अध्ययन करेंगे राजस्थान जीके पार्ट 43 अर्थात 42वें भाग का अध्ययन करेंगे। आज अपना नया टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, जिनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है गोवाजी। अपन लोक देवताओं के बारे में चर्चा करते हैं तो जो पंचवीर हैं, उनके बारे में प्रमुख रूप से चर्चा की जाती है। सबसे पहले अपन पंचवीरों में गोवाजी, जो हनुमानगढ़ एवं चूरू दोनों जिलों से अपना संबंध रखते हैं, हनुमानगढ़ एवं चूरू जिले दोनों जिलों से संबंध रखते हैं। तो गोवाजी के बारे में देखिए, गो रक्षा के लिए प्राणों से सर्ग करने वाले, यानी अपने प्राणों को न्योछावर करने वाले अर्थात गो रक्षा के लिए अपने प्राण त्यागने वाले और सर्ग वंश से मुक्ति दाता माने जाने वाले राजस्थान के पंच पीरों में से एक पीर गोवाजी है। यानी जो गोवाजी है, ये इन्होंने अपना जो जीवन है गो रक्षार्थ बिताया और अपना जीवन जो अपनी इनका युद्ध करते हुए गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणोत्स करने वाले और सर्व दंश यानी सर्व काटने पर जो मुक्ति प्रदान करने वाले माने जाते हैं, ये राजस्थान के पंच पीर में से एक पीर गोवाजी है। इन्हें गोरक्षक देवता, इन्हें गोरक्षक देवता अर्थात सांपों का देवता, इन्हें गोरक्षक देवता के नाम से भी जाना जाता है, सर्पों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू लोग हैं इन्हें नागराज के नाम से पुकारते हैं, किस नाम से, नागराज के नाम से, तथा मुसलमान इन्हें गोवापीर कहते हैं। मुसलमान जाति के जो लोग हैं गोवाजी को गोवापीर कहते हैं। तो महमूद गजनवी ने इन्हें जाहिर पीर, जो महमूद गजनवी थे इन्होंने इन्हें जाहिर पीर कहकर के पुकारा है, आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। तो इन्हें गोरक्षक देवता के नाम से, सांपों के देवता के नाम से, हिंदू इन्हें नागराज, मुसलमान इन्हें गोवापीर तथा महमूद गजनवी ने इन्हें जाहिर पीर आदि नामों से पुकारा है। यदि अपन इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म ददेरवा गांव चूरू में हुआ था। इनका जो जन्म है वो ददेरवा गांव चूरू में हुआ था। जो भाद्री कृष्ण नवमी को, भाद्री कृष्ण नवमी को चौहान गोत्र की राजपूत जाति, यानी भाद्र कृष्ण नवमी को, भाद्र महीने की जो कृष्ण नवमी आती है उनको इनका जन्म हुआ था। ये चौहान गोत्र में जो राजपूत जाति में हुआ था। इनके पिता जेवर, क्या नाम था इनके पिता का, नाम जेवर, उनका माता बाछल, माता का नाम बाछल था और इनके पिता का नाम जेवर था, माता का नाम बाछल था। इनकी पत्नी है वो केवल दे, पत्नी का नाम केवल दे था या रानी देमल के नाम से भी जानी जाती है। इनकी पत्नी केवल दे या रानी देमल के नाम से भी जानी जाती है। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था, इनके जो गुरु थे वो गोरखनाथ जी थे और इनके पुत्र का नाम केसरिया जी था, इन्हें केसरिया कंवर जी के नाम से जाना जाता है। गोगा जी की यदि सवारी की बात करें तो नीली घोड़ी, गोगा जी की जो सवारी है वो नीली घोड़ी थी और जिसका नाम क्या था, जिसे गोगा बापा कहते हैं, इम्पोर्टेंट है। गोगा जी की घोड़ी का नाम क्या था, गोगा बापा, जो नीली घोड़ी हुआ करती है तो गोगा बापा उसे कहते हैं, इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए इनके पिता थे ये जेवर, माता का नाम बाछल, पत्नी का नाम केमल दे, इन्हें रानी देमल के नाम से भी जाना जाता है। इनके गुरु का नाम गोरखनाथ था और इनके पुत्र जो केसरिया थे अर्थात केसरिया कंवर जी, गोगा जी की जो सवारी है वो नीली घोड़ी, कैसी थी, नीली घोड़ी, जिसे गोगा बापा, क्या कहते हैं, गोगा बापा के नाम से जाना जाता है, इम्पोर्टेंट है। गोगा जी के जो मुस्लिम पुजारी है, गोगा जी महाराज के जो मुस्लिम पुजारी है वो चायल कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, चायल, चायल कहलाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि गोगा जी के जो मुस्लिम पुजारी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं चायल, क्या कहते हैं, चायल। इनका खान खेती वृक्ष के
थान जिसे कहते हैं, इसके मंदिर को थान बोलते हैं, वो खेजड़ी का जो वृक्ष होता है उसके नीचे होता है। ये महमूद गजनवी से गोरक्षा मरते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसे इनका मोहम्मद गजनवी से युद्ध हुआ था और किस कारण से वायु की रक्षा करते हुए अर्थात गोरक्षा मरते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। इनका सिर तदेवा चुकू में गिरा, इसलिए चुकू में इनका धन है, इनका सिर तदेवा चुकू में गिरा। अतः सिर सुमेरी या सिद्ध मेरी के नाम से जाना जाता है, सिद्ध मेरी या सिर सुमेरी के नाम से जानी जाती है। और इनका जो धर था गर्दन के अलावा धर, वो भोगा मेरी नोहर हनुमानगढ़ में गिरा था। अर्थात इनका जो अंग युद्ध करते रहे उस समय जो सिर तदेवा चुकू में गिरा और जिन्हें सिर सुमेरी या सिद्ध मेरी के नाम से पुकारा जाता है, और उनका जो शरीर की गर्दन के नीचे का धर था ये भोगा मेरी अर्थात नोहर आता इसे दुर्भेदी कहते हैं। ये दोनों ही शिक्षा की दृष्टि से क्या है, इंपोर्टेंट है, शिक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। आगे देखिए, गोगा मेडी में मंदिर का निर्माण मकबरे नुमा, एक मकबरा जो होता है जो मुस्लिम लोग बनाते हैं, वो मंदिर का निर्माण मकबरे नुमा आकृति में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। यानी गोगा मेडी में जो मंदिर का निर्माण है एक मकबरे नुमा आकृति में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, बिस्मिल्लाह अंकित है। क्या अंकित है? बिस्मिल्लाह अंकित है। और इसका इस मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है वो गंगा सिंह ने दिया था। किसने दिया था? गंगा सिंह ने दिया था। वो इंपोर्टेंट है। गोगा मेले पर भाद्रपद कृष्ण नवमी नवमी को मेला भरता है, अर्थात गोगा जी का मेला मेला है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला भरता है। कहां पे? गोगा मेले पे। गोगा मेले जो लोग हनुमानगढ़ में वहां पे मेला भरता है। तो दूसरा जो मेला है गोगा जी की ओड़ी अर्थात तिलोरिया की ढाणी, और ये तिलोरिया की ढाणी ये सांसोर जालोर में है। दूसरा मेला वहां पर बनता, जो पहला मेला है इनका वो बनता है आपके गोगा मेडी में जो भाद्र कृष्ण नवमी को बनता है, और दूसरा मेला है ये गोगा जी की ओड़ी अर्थात तिलोरिया की ढाणी सांसोर जालोर में बनता है। प्रत्येक किसान जो ये गोगा जी के बारे में देखिए, प्रत्येक किसान खेत की जुताई करते समय, जब प्रत्येक किसान अपने राजस्थान में प्रत्येक किसान खेतों की जुताई करते हैं उस समय हल व हाली के राखी बांधते, जो हल होता है एवं हल को जो बिजार करने वाला उसको हाली कहते हैं, दोनों के गोगा राखी बांधते हैं। यानी गोगा जी महाराज की राखी बांधी जाती है जिसमें नौ गांठें होती है, उस राखी को जब बांधते हैं हल्के और हाली के, हल और बीजने वाले दोनों के जो गोर राखी बांधी जाती है किसानों के, वो गोगा राखड़ी कहलाती है जिसमें नौ गांठें होती है। इसमें कहा जाता है कि गोगा जी ने अपने दो भाई थे अर्जन और सर्जन दोनों को मार दिया था। गोगा जी ने अपने दो भाई थे अर्जन और सर्जन दोनों की हत्या कर दी थी, अर्थात मार दिया था, क्योंकि उन दोनों भाइयों की जो भावना है उनकी पत्नी के प्रति बुरी थी। गोगा जी की पत्नी के प्रति जो केवल थी उनके प्रति उनकी नजर बुरी थी, इसलिए दोनों भाई को अर्जन और सर्जन को गोगा जी ने मार दिया था। गोगा जी की भक्ति में गाये गए गीतों को पीर के सोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीर के सोल कहा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अर्थात गोगा जी की भक्ति में जो गाए जाने वाले गीत है उनको पीर के सोल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पीर के सोल कहा जाता है। गोगा जी का राज्य हाँसी से गारा अर्थात गढ़ा तक विस्तृत था। हाँसी से लेकर के गढ़ा तक गोगा जी का जो राज्य था ये विस्तृत था। ये था गोगा जी के बारे में। नीचे एक बार फिर देख लीजिए, गोगा जी है वो पंचवीरों में से एक है। ये हनुमानगढ़ और गंगानगर हिंदू से संबंध रखते हैं। ये गोगा गो रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले और सर्प वंश से मुक्ति मुक्तिदाता माने जाने वाले राजस्थान के पंच पीरों में से एक पीर गोगा जी हैं। इन्हें गोरक्षक देवता, सांपों का देवता, हिंदू इन्हें नागराज, मुसलमान इन्हें गोगा पीर तथा महमूद गजनवी ने इन्हें जाहर पीर आदि नामों से पुकारा है। इनका जन्म तदेवा गांव चूरू में भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ था। चौहान गोत्र की राजपूत जाति में हुआ था।
इनके पिता जेवर, इनकी माता का नाम बाछल, इनकी पत्नी का नाम केवलदे, इनकी पत्नी का नाम केवलदे या रानी देवल के नाम से भी जाना जाता है, इनके गुरु का नाम गोरखनाथ, इनके पुत्र का नाम केसरिया अर्थात केसरियावर जी, और गोगा जी की सवारी नीली घोड़ी थी जिस घोड़े का नाम गोगा बापा, गोगा बापा के कहलाते थे या कहते हैं इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। गोगा जी के जो मुस्लिम पुजारी हैं वो चाय कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, गोगा जी के मुस्लिम पुजारी चाय कहलाते हैं इम्पोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। इनका थान खेलड़ी के वृक्ष के नीचे होता है, थान का मतलब होता है इनका मंदिर खेलड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। ये महमूद गजनवी से घोर अक्षात भक्ति में वीरगति को प्राप्त हुए थे, यानी इनका युद्ध महमूद गजनवी से हुआ था और ये वायु की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनका जो सर है युद्ध के समय सर ददेवा चूर में गिरा था, अतः वह सिक्स मेरी या सिद्ध मेरी के नाम से जानी जाती है। वह धड़ गोवा मेरी अर्थात मोहर हनुमानगढ़ में गिरा था, अतः इसे धुरमेरी कहते हैं। दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। गोवा मेरी में जो मंदिर का निर्माण है वो मकबरे नुमा, गोवा मेरी में जो मंदिर का निर्माण मकबरे नुमा करवाया गया आकृति में फिरोजशाह तुगलक ने करवाया था, जिस पर बिस्मिल्लाह अंकित है। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह अंकित है। इसका जो वर्तमान जो मंदिर का स्वरूप है ये गंगा सिंह ने दिया था परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। गोवा मेरी पर भाद्र कृष्ण नवमी को मेला भरता है, तथा इनका दूसरा जो मेला है वो गोगा जी की ओड़ी अर्थात किलोया की डाली सांचो और जालोर में भरता है। प्रत्येक किसान खेत की जुताई करते समय हल और हाले यानी हल हल्के और बीजने वाले दोनों के जो राखी बांधी जाती है उसे गोगा राखी कहते हैं या बांधते हैं, जिसमें नौगांठ लगी हुई होती है, राखी में नौगांठ होती है। ऐसा कहा जाता है कि गोगा जी ने अपने दो भाइयों को जिनका नाम अर्जुन और सर्जन था दोनों को मार दिया था, क्योंकि उनकी भावना गोगा जी की जो पत्नी केमलदे थी उनके प्रति अच्छी नहीं थी, उनकी उनके प्रति बुरी नजर थी, इसलिए उनको मार दिया था। गोगा जी की भक्ति में जो गाए जाने वाले गीत होते हैं, गोगा जी की भक्ति में गाए जाने वाले गीत होते हैं वो पीर के सोल कहलाते हैं या पीर के सोल कहा जाता है। और गोगा जी का राज्य है हांसी से गारा या अपन गढ़रा कह सकते हैं तक विस्तृत था, यानी गोगा जी का राज्य है हांसी से गारा या गढ़रा तक विस्तृत था। आज अपन ने गोगा जी जो पंचपीर है उनके बारे में अध्ययन किया, नेक्स्ट वीडियो में दूसरे पीर का अध्ययन करेंगे। जब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।